अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। गाइस आज काफ़ी देर बाद मैं व्लॉग बना रहा हूं, ठीक है। आज हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे यूनिवर्सिटी, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, जी बताएं कैसा कोर्स है, फ़ीस वगैरह पूरी हो जाती है, एकोमोडेशन के बारे में बताएँ, ठीक है। सो आज की वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। ये जी अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है, तो आज आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी में भी, कुछ स्टूडेंट से मिलवाते हैं, ठीक है। और गाइस सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जी मुझे ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया, मेरा अनकंडीशनल कब आएगा, ठीक है। तो गाइस आप परेशान ना हो, तकरीबन आप तो सारे लोगों को अनकंडीशनल पहुंच गए होंगे, ठीक है, और उन्होंने फीसिस वगैरह भी पे कर दी होंगी। अब तो सिर्फ यहाँ तो उन्होंने कैश का वेट कर रहे होंगे अपने। तो कुछ लोग कह रहे थे जी अभी हमारा मतलब ऑफ़र ही नहीं आया, ठीक है, वो उन लोगों का ऑफ़र नहीं आया जिन्होंने मेरे ख्याल से लेट अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की मेल वगैरह चेक करते रहा करें, ठीक है, उस पर सारी ओवरऑल अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। तो गाइज जो है यहाँ पे अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन थोड़ी लंदन सेंट्रल लंदन है, आपको पता है ये सारा एरिया सेंट्रल लंदन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है थोड़ी सी जो है ना अकोमोडेशन महंगी है, ठीक है, दूसरे एरियाज़ की निस्बत, ठीक है। आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के पास पास कोई जो जब भी आप इधर आएँ कोशिश करें यूनिवर्सिटी से कोई 20-30 मिनट की मुसाफत पर अपनी अकोमोडेशन रखें, ताकि आप यूनिवर्सिटी भी ईजीली पहुँच जाएँ और रेंट भी थोड़ा कम हो, ठीक है। सो बाकी बातें करते हैं जी जाके यूनिवर्सिटी में। ये है जी यूनिवर्सिटी का लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, चेक करें ओवरऑल। ये है जी स्पीटा फील्ड मार्केट, ये आपको भी चेक करवाता हूँ मैं। ये है जी मार्केट स्ट्रीट, लें जी गाइस यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं मैं, ठीक है, और मैं आज आपको यूनिवर्सिटी का भी अंदर से क्लासेस का भी विज़िट करवाता हूं, ठीक है, और क्या नाम लेते हैं कुछ स्टूडेंट से भी आपकी मुलाकात करवाता हूं, और अपनी क्लास के भी कुछ स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, ठीक है, और आपको वो डिटेल्स के साथ बताएँगे कैसा है कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो लोग और कैसा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी ये मेरे दोस्त हैं जी, इंडिया से हैं, ठीक है, सेम ही कोर्स के हैं ये, ठीक है, और ये बताएंगे आपको कैसा इनका कोर्स चल रहा है जी भाई, थोड़ा सा बताएं जरा हमारा कोर्स अच्छा चल रहा है, कैसे ही आपको स्टडी वगैरह सही पढ़ा रहे हैं? अच्छी है, कोई मसला नहीं आ रहा। आप बताएं जनाब। अच्छी है स्टडी तो, और दो सब्जेक्ट का तो असेसमेंट खत्म हो गया है अभी, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं इनको। अकोमोडेशन तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आसानी से। हाँ हाँ, तो रेंट भी बताएं कितना होगा इसके? रेंट मैं सेंटर में नहीं, मैं इलफोर्ड साइड रह रहा हूँ, तो वहाँ 450 तक है इंक्लूडिंग फूड और ऑल बिल्स, ठीक है। तो आप बताएं जनाब आप किधर से हैं? मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, और अभी जैसे कि वैकेशन का टाइम चल रहा है, चालू हो चुका है, ठीक है, तो कॉलेज में इतना कुछ खास है नहीं, असाइनमेंट चल रहे हैं, बाकी फिनिश अप है, कोर्स 1-2 कंप्लीट होने आया है, ठीक है, बाकी सब ओके है।
मतलब अकोमोडेशन वगैरह का इशू तो नहीं है? अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं है, मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं थोड़े बहुत। अच्छा आप भाई सारे भाई ये बताएं जॉब्स का क्या सीन जा रहा है? जॉब्स है लेकिन ढूंढने पड़ते हैं, फर्स्ट यहाँ पे रेफरेंस चाहिए। विदाउट रेफरेंस जॉब इजी नहीं है इतना, और बाकी हो जाता है काम, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और यार गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी आप पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, तो कोई ना कोई स्किल सीख के आओ यार, जरूरी है वो। आपको डिमांड इस यहाँ पे डिमांड है सिर्फ स्किल्स की, ठीक है? कोई बुचर बन जाओ, कोई बारबर बन जाओ, कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ सीख लो, ठीक है? जो जो भी बंदा इधर आ रहा है उसके पास स्किल हो तो वो अपनी हर चीज़ पूरी कर लेगा, ठीक है? कोई जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख के आए। ये लो जी हम यूनिवर्सिटी में इंटर हो रहे हैं, ठीक है? और कार्ड डिस्प्ले कर लें सबसे पहले, क्योंकि ये मैनेजमेंट बैठी हुई है, इन्होंने देखेंगे, ठीक है? और अभी हम इधर से लेंगे लिफ्ट और ऊपर जाएंगे। है जी यूनिवर्सिटी का चस्का, छोटी सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और ये अभी हम क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और ये क्लास है, ये हमारा रूम है क्लास का, और ये स्टूडेंट्स हैं। ये है जी GCU की लाइब्रेरी, ठीक है? तो आज रश भी नहीं है इतना, क्योंकि असेसमेंट चल रही हैं, कुछ की क्लासेस ऑफ हैं, कुछ की क्लासेस ऑन हैं। तो ये सर है, ये सारे मेरे क्लास फेलोज हैं, ठीक है? ये है जी जनाब सलमान भाई, ये मेरे क्लास फेलो हैं, ठीक है? और ये भी क्लास फेलो है मेरे, और वो जो बैठे हैं पीछे भाई फ़ोन पे लगे हुए हैं, ये भी क्लास फेलो है। अच्छा सलमान भाई, यार बड़े स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि मतलब कैसी जा रही डिग्री, असेसमेंट कैसी है, और अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बताएं ज़रा इनको, और थोड़ा सा ना अपने कोर्स के बारे में बताएं कैसा कोर्स है। कोर्स तो बहुत ही ईजी है, मतलब जब से हम आए हुए तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठे हुए, बस दो दिन क्लास आके इन्जॉय कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। असाइनमेंट टीचर दे देते हैं, हम भी आगे से कर लेते हैं इजीलिए। दो सब्जेक्ट्स हो गए, दो रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी मैं पेंज में रहता हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है, बड़ा प्यारा है। और इसको इनको बताएं अकोमोडेशन का बताएं, सेंट्रल में ज़रा कैसी है और आउटसाइड कैसी है? थोड़ा उससे दूर साइड पे जाएंगे ना, एक बाई ट्रेन अगर आप आते तो एक घंटे के फासले पे आपको मतलब इजीली यूनिवर्सिटी भी मतलब आवाज़ आ सकते हैं। जॉब शॉप का भी बताएं इनको। जॉब बस यहाँ पे तकरीबन इस तरह की, अगर आपकी अच्छी हुई तो आपको जल्दी मिल जाएगी, अगर आपके रेफरेंस है तो और भी जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर आप घूमेंगे फिरेंगे मार्केटों में, आप उनको कहेंगे कि अगर आपको काम की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। ये है कि आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, आपने निकलना है और गाइज सारे लोग एक बात याद रखें, जो भी न्यू आ रहे हैं कमर्स जनवरी इनटेक में, कोशिश करें कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख के आएँ, क्योंकि स्किल्स की बड़ी डिमांड है इधर इस जगह पे, ठीक है? तो कोशिश करें कोई ना कोई स्किल्स सीख लें, लाइक बुचर बन जाएं, बारबर बन जाएं, ठीक है? बारबर जितनी बारबर की है इधर, और कोई भी कंस्ट्रक्शन का कुछ सीख लें, प्लम्बर सीख लें, इलेक्ट्रिशियन का सीख लें, कुछ भी, लेकिन कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख के आएँ जो आपके हाथ में हुनर हो कोई ना कोई, ठीक है? तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और यही सलमान भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।